हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। और ये बीएड फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट होता है, साथ के साथ ये जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे जो होते हैं, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारे जितने भी होते हैं, उनमें 30 मार्क्स का CDP पूछा जाता है, यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेडागोजी है जो हमारी, उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, यानी कि जो फैक्टर्स जो हमें हमारी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट करते हैं, उनके जो जो मतलब कि हमें कारक हैं जो जो प्रभावित करते हैं उनका वर्णन इन्होंने पूछा है, उनको डिस्क्राइब हमें करना है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे हमारी फिजिकल डेवलपमेंट को। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब जब हमारा शारीरिक विकास होता है उसके साथ साथ व्यक्ति का जो है मानसिक जो विकास होता है वो भी चलता रहता है, और जो हमारा शारीरिक विकास होता है वो व्यक्ति के जो मानसिक विकास है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। अतः हमें शारीरिक विकास के लिए आवश्यक कारकों की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए, यानी कि हमारी फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारी फिजिकल डेवलपमेंट को, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। शारीरिक विकास का जब भी हम अगर देखें कि क्या क्या कारक होते हैं जो कि प्रभाव डाल सकते हैं, तो इसके अंदर ये भी देखा गया है कि हम किस तरीके का भोजन खा रहे हैं। अगर हमारा भोजन अच्छा नहीं है तो हमारे शारीरिक विकास के ऊपर वो प्रभाव डालता है। साथ के साथ हम मनोरंजन वगैरह किस तरीके से कर रहे हैं, हम खेल कूद करते हैं या नहीं करते हैं, या विश्राम हम कितना कर रहे हैं, किस तरीके से हम जो आराम वगैरह करते हैं, ये सारे जो हैं हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। अतः शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। अब हम जो है पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रकार हैं जो कि इफ़ेक्ट हमारे ऊपर डालते हैं। वातावरण जो है बच्चे के शारीरिक विकास के ऊपर प्रभाव डालता है। स्वच्छ एवं उत्तम वातावरण में रहने वाला बालक का शरीर विकास अनंत तीव्र गति से होता है, यानी कि अगर कोई बच्चा है जो वो उसको फुली हाइजीनिक कंडीशन में रखा जा रहा है, साफ़ सुथरी जगह पर रखा जा रहा है, साथ के साथ वो रहता है और साथ के साथ वहाँ का वातावरण अच्छा है, हवा पानी वगैरह उसको सही टाइम पर सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो ऐसा बच्चे का विकास जो है ज़्यादा जल्दी होता है। एज़ कम्पेयर टू अगर हम उन बच्चों की बात करें जहाँ पर वो बच्चा बड़ा हुआ वहाँ की हवा शुद्ध नहीं थी, यानी कि हवा के अंदर क्या है शुद्धता नहीं है, या फिर जो है धूप वगैरह वहाँ उसको नहीं मिलती, तो ऐसे बच्चों की जो शारीरिक विकास है उनकी गति थोड़ी कम देखी गई है। नेक्स्ट हमारा आता है स्नेह एवं प्रेम, यानी कि लव एंड अफेक्शन। बालक के जो शारीरिक विकास है उसके अंदर स्नेह और प्रेम का भी एक सबसे आधार है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जो हमने देखा है कि अगर जो भाई बहन है तथा अन्य जो सदस्य हैं अगर वो स्नेह से रहते हैं तो वो क्या है उनके शारीरिक जो है विकास जो है उनका अच्छे से हो पाता है। लेकिन अगर वही अगर माता पिता जो हैं या भाई बहन जो हैं वो आपस में झगड़ते रहते हैं, झगड़े ही रहता है, या फिर जैसे माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो ये सारे जो है एक तरीके से कष्ट का कारण बन जाता है। और ऐसे बच्चों की जो शारीरिक विकास है उनकी डेवलपमेंट जो है थोड़ा कम होती है, और वो भी एक बाधा बन जाती है, यानी कि हमारा जो लव एंड अफेक्शन स्नेह एंड प्रेम जो है वो भी प्रभावित करता है हमारे शारीरिक विकास को। नेक्स्ट हमारा आता है खेल एवं व्यायाम, यानी कि प्ले और एक्सरसाइज। अगर जो इंसान है वो खेल रहा है, खेल कूद कर रहा है, व्यायाम यानी कि योगा वगैरह वो कर रहा है, अच्छे से ध्यान दे रहा है सारी चीज़ों पर, तो ऐसे बालक का जो विकास है शारीरिक विकास पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा और वो उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो पाएगी। नेक्स्ट वन इज निद्रा एवं विश्राम, यानी कि स्लीप एंड रेस्ट। अगर जो इंसान है वो अच्छी तरीके से सो रहा है या फिर वो जो है विश्राम आराम वगैरह अच्छी तरीके से कर रहा है तो उसका जो शारीरिक विकास है वो एक अच्छी तरीके से हो पाएगा। यानी कि अगर जो बच्चा है वो अच्छी मतलब कि सो नहीं पा रहा या फिर कोई भी कारण है या फिर वो आराम नहीं कर पा रहा, तो उन बच्चों का जो शारीरिक विकास है दूसरे बच्चों की तुलना में कम होता है। इसीलिए जो है बच्चों को जो है निद्रा और विश्राम अच्छी तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है भोजन। भोजन भी एक ऐसा कारक है जो कि हमारे शारीरिक विकास के ऊपर प्रभाव डालता है, यानी कि अगर आप अच्छा भोजन नहीं खाएंगे तो आपका जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा।
नेक्स्ट वन इज नियमितता का अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी। अगर जो है हम हमारा स्वास्थ्य अगर हम अच्छा चाहते हैं, शारीरिक डेवलपमेंट अगर हमें अच्छी तरीके से चाहिए, तो हमें प्रॉपर वे से सोना चाहिए, खेलना, खाना, पढ़ना इत्यादि का हमारा एक जो है समय होना चाहिए और एक रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए, यानी कि आप लगातार उस चीज़ को करते रहें। नेक्स्ट वन इज सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी। सुरक्षा भी जो है एक तरीके से हमारे शारीरिक डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव डालती है। इसके अंदर अगर बच्चा जो है सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो बच्चे के आत्मविश्वास में कमी दिखाई देती है। सुरक्षा की भावना तथा आत्मविश्वास के अनुभव में बालक का विकास रुक जाता है। अगर जो है बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की कमी है या उसको ऐसा लग रहा है किसी भी चीज़ की उसको सुरक्षा नहीं है, उसको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो उस केस में क्या होगा, बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो उसके अंदर बाधा आ जाएगी। नेक्स्ट आता है वंशाक्रमण, यानी कि इसके अंदर हेरिडिटी फैक्टर्स भी जो है बच्चे के शारीरिक विकास के ऊपर प्रभाव करता है। अगर माता पिता जो है बालक के, अगर उनकी हाइट छोटी है तो बच्चा भी जो है ज़्यादा चांस यही होते हैं कि बच्चा भी छोटा होगा, यानी कि हेरिडिटी भी बच्चे के ऊपर जो है विकास के ऊपर, उसके शारीरिक डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव डालती है। यानी कि जो हमें जीन्स वगैरह मिले होते हैं पेरेंट्स से, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की शेप, हमारी हाइट वगैरह डिसाइड होती है। नेक्स्ट आता है हमारे अन्य अदर कारक भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने जो ऊपर सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे शारीरिक विकास के ऊपर प्रभाव डालती हैं। उसके अलग जो है हमारा जो सामाजिक है, हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे परिवार की आर्थिक दिशा जिस तरीके की है, आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सारी चीज़ें हमारी जो है डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव डालेंगी। इसके अलावा अगर कोई हमें रोग लग गया है या फिर दुर्घटना वगैरह हो गई है कोई, तो उन सब का जो हमारे ऊपर प्रभाव आता ही आता है। यानी कि बच्चे की अगर हम शारीरिक विकास की बात करें तो ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा वातावरण कैसा है, स्नेह और एवं प्रेम की भावना कैसी है परिवार के अंदर, खेल एवं व्यायाम अगर बच्चा कर रहा है तो वो कैसा है, उसके अलावा वो निद्रा एवं विश्राम जो अच्छे से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, भोजन वो किस तरीके का खा रहा है या नियमितता का आभास उसे कैसा है, सुरक्षा उसको दी जा रही है या नहीं दी जा रही, या फिर वंशानुक्रम या अन्य कारक भी हमारे शारीरिक विकास के अंदर बाधा डालते हैं। यानी कि ये सारे कारक हैं, इनको हमें ध्यान रखना होगा। अगर बच्चा जो है छोटा है तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी ताकि बच्चे के ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े और उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो जाए। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।